प्रो कबड्डी लीग मध्ये बंगळुरू बुल्सनं विजयी सलामी दिली आहे. बंगाल वॉरियर्सला केवळ एका गुणानं हरवलंय आणि बंगळुरू बुल्सचा उपकर्णधार मोहित चिल्लर आपल्यासोबत आहे. मागच्या सीझनमध्ये यू मुंबईचा विजयी शिलेदार आणि आता 53 लाखाची सर्वाधिक बोली ज्याच्यावर लागली आहे तो मोहित चिल्लर. मोहित कहते हैं कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, क्या वो बंगळुरू बुल्स है? हाँ बिल्कुल, आज आपने देख ही लिया होगा मैच में कि हम लास्ट तीन मिनट में 5 पॉइंट पीछे पिछड़ रहे थे, लेकिन हमारे रेडर ने, रोहित ने बहुत अच्छा स्कोर किया और खूबी डिफेंस ने भी अच्छा काम किया, तो हारी बाजी को जीता हुआ पूछा जाता है. मोहित आपका डिफेंस बहुत ही बढ़िया था, लेकिन शायद ऐसा हुआ क्या क्या बंगाल वॉरियर्स के कप्तान की दो तीन गलतियां हुई, उसका आपको बहुत फायदा हुआ और उसका फायदा आपने उठाया भी? हाँ, हमने जो नीलेश सिंधे हैं उनके एक वो परस्यूट कर रहे थे, तो उनकी क्या सबसे बड़ी गलती थी कि वो हमें जल्दी टैकल करवा गए, वो उनकी सबसे बड़ी गलती, तो दो तीन उनकी मिस्टेक होने से हम टीम में वापसी आ गए. खास आपके लिए कितना फर्क पड़ा है, इस टीम में आप नए आए हैं, हालांकि सुरेंद्र नाड़ा आपके साथ है, लेकिन सामने विशाल माने भी है जो आपके साथ पिछली टीम में खेल रहे थे. आज फर्क नहीं पड़ा, मैं और सुरेंद्र तो इकट्ठे ही हैं, हम कॉर्नर तो इकट्ठे ही हैं, तो विशाल माने हों चाहे हमारा आशीष हो सांगवान, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम है, हमने एक 1.5 महीना साथ में प्रैक्टिस किया तो कॉम्बिनेशन तो बड़ा बनाई है. बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी माझा से बात करने के लिए. तो हा होता मोहित चिल्लर, बंगळुरू बुल्सचा विजयी शिलेदार, ज्यांनी या विजयी सलामी दिली आहे बंगाल बॉर्सला एका गुणानं हरवून. कॅमेरा पर्सन अजय गुप्ता, एबीपी माझा.